नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आज कांग्रेस कार्य समिति की मैराथन बैठक हुई, 3.5 घंटे से ज़्यादा चली लंबी बैठक में राहुल गांधी के ने तय किया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी है, उसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेगी कांग्रेस। और कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिर्फ एक ही है कि बीजेपी को हराना है। 2019 में नरेंद्र मोदी के सरकार में चाहे बीजेपी की चाहे एनडीए की सरकार आने से रोकना है, किसी भी तक ये लोग जाएंगे, चाहे सीटों के लिए कुछ कम ही मिले। ऐसा भी कहा है कि उदार दिल दिखाएगी कांग्रेस गठबंधन के वक्त, पहला लक्ष्य सिर्फ यही है कि बीजेपी को रोकना है। कांग्रेस ने आज बड़ा आरोप लगाया और कहा कि ना ये जो सरकार है इसका सीना 56 इंच का है, ना इस सीने में दम है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो सरकार है इसमें सबका साथ सबका विकास नहीं, सिर्फ भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का विकास है। आइए प्रभा साक्षी की इस खास पेशकश में देखते हैं कि कांग्रेस के जो इस कार्य समिति की बैठक में 5 बड़े मुद्दे क्या रहे जिस पर बीजेपी को घेरा जाएगा। कांग्रेस ने साफ किया है कि चुनावों के मोड़ में कांग्रेस आ चुकी है, चाहे वो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो अगले साल होने वाले। तो पार्टी ने आज क्या क्या कहा, अपनी बैठक में क्या क्या तय किया है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की एक विस्तार पूर्वक बैठक आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई, जिसमें असम का NRC प्रोसेस, मोदी सरकार का भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत, बेरोजगारी जो सर चढ़कर बोल रही है युवाओं के सामने, और देश में जो कृषि संकट है, इन 5 मुद्दों पर व्यापक चर्चा उस पर हुई। मैं सारांश में इन मुद्दों पर जो निर्णय या जो मार्गदर्शन कांग्रेस के साथियों और कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने दिया कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में, मैं उनकी संक्षिप्त में आपसे चर्चा करूंगा। कांग्रेस कार्य समिति ने यह नोट किया कि NRC का पूरा प्रोसेस कांग्रेस पार्टी द्वारा असम अकॉर्ड, ऐतिहासिक असम अकॉर्ड जो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दस्तखत किया था, उसके मुताबिक NRC का प्रोसेस चालू किया गया है। असम अकॉर्ड के बाद सभी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाकर मोडालिटीज को इन प्लेस करके सारे प्रोसेस को आइडेंटिफाई और फिक्स करके और सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करके इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत उस समय की असम की कांग्रेस सरकार और दिल्ली में भी जब कांग्रेस सरकार थी 2005 में तो वो शुरू की गई। इसका लक्ष्य था कि वो सारे विदेशी जो असम में इलीगल तरीके से आए हैं उनकी पहचान। 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने 489 करोड़ यानी लगभग 490 करोड़ रुपया देकर 25,000 इन्यूमरेटर्स की नियुक्ति असम NRC प्रोसेस में की। मई 2016 तक श्री तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 80% NRC की प्रक्रिया को पूरा कर दिया था। अगस्त 2014 से यह भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट NRC प्रोसेस को लगातार मॉनिटर करती आई है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर असम अकॉर्ड को एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जिसके तहत NRC की पूरी प्रक्रिया लागू की जा रही है उसके प्रति अपनी कमिटमेंट और अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हमें यह भी इस बात का भी संज्ञान है कि इस NRC की फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 40 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो उससे बाहर रह गए प्रक्रिया से, उसमें इंडिजीनियस
एसमीज बहुत सारे पक्ष के लोग हैं, हिंदू बंगाली हैं, नेपालीज हैं, गोरखाज हैं, टी ट्राइब के साथी हैं, सर्विंग और रिटायर्ड फोर्सेस के साथी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं और बहुत सारे लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से जाकर असम में बस गए, तो इस देश के बाकी सभी प्रांतों के नागरिक भी हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि हर भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने का संपूर्ण तर्कसंगत और न्याय संगत मौका मिलना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि कांग्रेस पार्टी हर भारतीय नागरिक की मदद करेगी जो किसी न किसी कारण से, या टेक्निकल कारण से या सबूत के पूरे कंसिडरेशन के अभाव में अपनी नागरिकता साबित करने से इस लिस्ट में छूट गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने इस पर भी संज्ञान लिया कि भारतीय जनता पार्टी एनआरसी की पूरी प्रक्रिया को, सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के एक षड्यंत्र के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि वो अपने कॉलोसल फेलियर, जो व्यापक तौर से मोदी सरकार फेल हुई है, व्यापक भ्रष्टाचार जो सरकार में फैला है, जिस प्रकार से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की स्थिति है, वो इस बांटने वाले षड्यंत्र के माध्यम से उस सारी बात से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वो मोदी सरकार के इस षड्यंत्र को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ राफेल के मुद्दे पर और बैंक फ्रॉड्स के मुद्दे पर व्यापक चर्चा कांग्रेस कार्य समिति में हुई। चार बड़ी बातें राफेल के पूरे मामले पर, जो एक बहुत बड़ा घोटाला इस देश का उभरा है, मोदी सरकार का, उभर कर आई। पहली, प्रधानमंत्री मोदी जी और रक्षा मंत्री किस कारण से देश को राफेल जहाज की कीमत बताने से इनकार कर रहे हैं? क्या कारण केवल यह है कि 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में खरीदा गया, 300% कीमत में इजाफे को जस्टिफाई करना प्रधानमंत्री जी के लिए असंभव है? 126 जहाज लगभग 66,000 करोड़ के खरीदे जाने थे, 36 जहाज लगभग उसी कीमत यानी 61,000 करोड़ में खरीदे जा रहे हैं, तो 48,000 करोड़ के करीब का जो राजस्व को चूना लग रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन प्रधानमंत्री के पास नहीं, और इसीलिए वो कीमत को छुपा रहे हैं। इस बात की चर्चा भी हुई कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड, जिसका ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर 30,000 करोड़ का समझौता एचएएल के साथ था, उसको इस समझौते और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जहाज बनाने के मौके से क्यों मरहूम कर अलग थलग कर दिया गया, और क्यों एक निजी कंपनी जिसको जहाज बनाने का कोई तजर्बा नहीं, उसको यह कॉन्ट्रैक्ट 30,000 करोड़ का दे दिया गया? क्या प्रधानमंत्री स्वयं डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को वायलेट करने के लिए दोषी नहीं? क्या प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अनुमति लेने की अवहेलना नहीं की? क्या प्रधानमंत्री जी ने कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी और प्राइस नेगोशिएशन कमेटी, जिसके माध्यम से प्राइस डिस्कवरी होती है, उसकी अवहेलना के इस देश के प्रधानमंत्री स्वयं दोषी नहीं? और क्या कारण है कि वो निजी कंपनी अब लाइफ साइकिल कॉस्ट के माध्यम से 1,00,000 करोड़
अतिरिक्त का कॉन्ट्रैक्ट और मिलने का दावा पेश कर रही है। तो 1,30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट निजी कंपनी को मिला कैसे? इन सब बातों का जवाब देश की जनता मोदी सरकार से मांगेगी और कांग्रेस कार्यकर्ता इसके लिए सघन संघर्ष करेंगे। यह निर्णय भी लिया गया। देश में आए दिन होते बैंक घोटालों को लेकर कांग्रेस कार्य समिति ने गहन चिंता व्यक्त की। जिस प्रकार से पिछले दिनों में ही 72,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक घोटाले सामने आए हैं और उन घोटालेबाजों को मोदी सरकार का सीधा सीधा संरक्षण प्राप्त है, इसको लेकर और लोगों के बैंकों में जमा पैसे को लेकर व्यापक मंत्रणा कांग्रेस कार्य समिति में हुई। सच्चाई यह है कि भगोड़ों का साथ और भगोड़ों का विकास अब मोदी सरकार का नारा बन गया है। सबसे ताजा उदाहरण मेहुल चौकसी को एंटीगुआ की नागरिकता दिलवाने के बारे है। कांग्रेस कार्य समिति ने बाकायदा इसका संज्ञान लिया और वहां पर बाकायदा इसकी चर्चा हुई कि किस प्रकार से विदेश मंत्रालय ने मई 2017 में एक षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार के इशारे पर और सबसे बड़े हुक्मरानों के इशारे पर एक क्लीन चिट एंटीगुआ की सरकार को मेहुल चौकसी को पासपोर्ट देने के बारे लिख कर दी। इस बात का संज्ञान भी लिया गया कि सेबी के द्वारा भी ऐसी ही क्लीन चिट बैंकों के भगोड़े और 24,000 करोड़ के करीब घोटाला कर भाग गए मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को सेबी के द्वारा भी दी गई। इस बात का संज्ञान भी लिया गया कि इंटरपोल ने जो क्लीन चिट मेहुल चौकसी को दी उसका कारण यह था कि मई 2017 तक सीबीआई और ईडी दोनों ने कोई रेड कॉर्नर नोटिस और वारंट निकालने बारे शिकायत और सबूत इंटरपोल को नहीं दिए। इन सब में से सीधा सीधे षड्यंत्र की बू आती है जब उसको इस परिपेक्ष में देखा जाए कि 7 मई 2015 को प्रधानमंत्री कार्यालय, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसीज को इस सारे घोटाले की जानकारी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाकायदा 26 मई 2015 को उस शिकायत की प्रतिलिपि को एक्नॉलेज किया है। उसके बाद 42 अलग अलग शिकायतें, जिनकी एक पूरी सूची मेरे पास है, मैं आपको जारी कर रहा हूं, 42 अलग अलग शिकायतें, 42 केसेस वर लॉज्ड अगेंस्ट मेहुल चौकसी, नीरव मोदी एंड देयर कंपनीज बिटवीन 2015 टू 2017। 2015 से 2017 बैंकों के घोटाले होते रहे। 2015 से 2017 वो पैसा लेकर गबन करते रहे और मई 2017 में मोदी सरकार का विदेश मंत्रालय, सेबी, सीबीआई और ईडी कहते हैं कि मेहुल चौकसी पर कोई मुकदमा नहीं। और एक सबसे बड़ा सबूत जो मैं आपको दे रहा हूं, 14 सितंबर 2016 के कोर्ट ऑर्डर का, जिसमें बाकायदा ये एप्रिहेंशन गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष की गई कि मेहुल चौकसी भाग जाने वाले हैं। मेहुल चौकसी एक शपथ पत्र देते हैं और कहते हैं कि मैं देश छोड़कर नहीं भागूंगा। एंड आई एम जस्ट रीडिंग टू लाइंस। टुडे एन एडिशनल एफिडेविट हैज बीन प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड पॉइंटिंग आउट द टोटल जर्नी अंडरटेकन बाय द पेटिशनर, दैट इज मेहुल चौकसी, सिंस जनवरी 2016। द अदर डिटेल्स हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड बाय स्टेटिंग दैट पेटिशनर हैज नो इंटेंशन ऑफ फ्लीइंग अवे फ्रॉम द कंट्री और डूइंग एनीथिंग विच कुड नेसेसिटेट डिपॉजिट ऑफ हिज पासपोर्ट। तो मोदी जी तो कहते हैं कि 2017 तक उन्हें क्लीन चिट थी, यहां तो 2016 में कोर्ट के संज्ञान वो खुद एफिडेविट देके ये कह रहा है कि मैं ना भागूंगा और मेरा पासपोर्ट भी ना जमा करवाया जाए। तो एक साल पहले जब आपको इसकी जानकारी थी और ये अदालत के आदेश की प्रतिलिपि हम लेकर आए हैं, तो उसके और 42 मुकदमे थे जिनकी सूची मैं आपको दे रहा हूं। तो 2017 में
मोदी जी, जिनको वो हमारे मेहुल भाई कह के पुकारते हैं गोल्ड डिमोनेटाइजेशन स्कीम के तहत, तो उनको क्लीन चिट क्यों दे रहे थे? क्लीन चिट देने का कारण सीधा सीधा है कि मोदी सरकार बैंकों के भगोड़ों को भगाने में खुद संलिप्त है और कांग्रेस कार्य समिति ने इसका गंभीर संज्ञान लिया और निर्णय किया कि इन सारे मुद्दों पर एक व्यापक जन आंदोलन तैयार किया जाएगा। आखिर में कांग्रेस कार्य समिति ने गिरती अर्थव्यवस्था, गिरते निर्यात, गिरते छोटे छोटे और मझले उद्योगों को जो क्रेडिट है उसको, और व्यापक बेरोजगारी की जो परिस्थिति है कि देश के प्रधानमंत्री ही युवाओं को पकोड़े और पान बेचने को अब रोजगार बता रहे हैं और उसकी सलाह दे रहे हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री ही पकोड़े और पान बेचने की सलाह देश के युवाओं को दें 2 करोड़ रोजगार का वायदा करके, तो स्वाभाविक तौर से इस गंभीर संकट का सामना आज देश कर रहा है। खेती पर जो संकट है और जिस प्रकार से लागत जमा 50% के जुमले मोदी जी बेच रहे हैं झूठ के किसानों को, परंतु जो मंडी सपोर्ट प्राइस है वो MSP से भी 42% और 50% कम है अधिकतर मार्केट्स में, और किसान आत्महत्या की ड्योढ़ी पर खड़ा है, इसका संज्ञान भी कांग्रेस कार्य समिति ने लिया और ये निर्णय किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और नेताओं को आह्वान करेंगे कि संसद के अंदर तो कांग्रेस के सांसदगण राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, और संसद के बाहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्तागण एक ऐसा व्यापक जन आंदोलन तैयार करेंगे ताकि ये सरकार जो केवल षड्यंत्र बंटवारे और नफरत की राजनीति के आधार पर मुद्दों को भटकाती है उसे मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। उसकी रूपरेखा कांग्रेस कार्य समिति में जब ये निर्णय हो गया तो उसकी रूपरेखा जो है सम्मानित महासचिवगण उसके सदस्य होते हैं वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठकर उसका निर्णय कर लेंगे। अगर आपको ये लगता है कि देश का 48,000 करोड़ डूब जाए, वो पैसा जो आपकी तनख्वाह में टैक्स के पैसों से कटता है, अगर आपको लगता है कि देश का 48,000 करोड़ अतिरिक्त देश की सुरक्षा के नाम पर लुटवा दिया जाए उसका कोई असर नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि आदरणीय साथी मैं आपसे असहमत हूं। इस देश के 132 करोड़ लोगों को इस देश का एक एक रुपया जो वो अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स से मोदी सरकार के पास जमा करवाता है वो कैसे खर्च किया जाएगा उसको लेकर इस देश के लोग बहुत गंभीर हैं। सर विपक्ष के सभी आदरणीय साथियों ने इस बात की व्यापक चर्चा कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और गुलाम नबी आजाद साहब से की है कि वो रफेल हो या बैंक घोटाले हो, ये मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दे हैं, और आगे आने वाले आप दिनों में आप ये पाएंगे कि विपक्ष का हर एक साथी पुरजोर तरीके से और एक स्वर से इस देश में मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने की लड़ाई निर्णायक तरीके से लड़ेगा। I'll come to you, ma'am. आदरणीय साथी, सबसे पहले तो आपका चैनल एक गंभीर चैनल है और आपसे हम गंभीर सवालों की अपेक्षा और उम्मीद करते हैं। अगर ऐसा किसी ने कहा तो आप उसे चला क्यों नहीं देते? आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं। केवल झूठ को परोसकर सच को आवरण पहना देना इस देश में सत्यता का
प्रूफ नहीं हो सकता। बात बड़ी सीधी है, जैसा मैंने कहा, असम अकॉर्ड स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक तरीके से असम के अंदर शांति विकास की एक नई गति लाने के लिए वहां आसू और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ समझौते के तहत दस्तखत किया गया था। एनआरसी प्रोसेस असम अकॉर्ड का बेबी है और इस एनआरसी की पूरी प्रक्रिया को, काश आपका चैनल अगर वाजपेयी जी ने कितना पैसा एनआरसी प्रोसेस के लिए दिया ये दिखाने का साहस करेगा, तो आप पाएंगे कि जब बीजेपी की पिछली सरकार सत्ता में थी तो 5 लाख रुपया दिया गया। एनआरसी प्रोसेस को 2005 के बाद कांग्रेस की सरकारों ने चालू किया, लगभग 490 करोड़ की राशि दी गई, 25,000 इन्यूमरेटर्स लगाए गए ताकि हर विदेशी जो गैर कानूनी तरीके से असम के अंदर है उसकी पहचान हो। जो पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई है ये उस एनआरसी प्रोसेस का पहला चरण है। 40 लाख जो उसमें छूट गए हैं उनमें बहुत सारे हिंदू बंगाली हमारे भाई हैं, बहुत सारे टी ट्राइब्स के साथी हैं, बहुत सारे एसमीज एथनीसिटीज के कोच राजवंशी और कई अन्य एथनीसिटीज के साथी हैं, बहुत सारे नेपालीज और गोरखा साथी हैं, बहुत सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथी हैं, और यहाँ तक कि वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, वो सब लोग जो असम जाकर बस गए वो सारे साथी भी हैं। इसलिए हर भारतीय नागरिक को न्याय मिले और किसी भारतीय नागरिक को उसकी नागरिकता से न वंचित किया जाए इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, और विदेशियों की पहचान हो। इसलिए इस बात को भटकाइए मत, बात बड़ी सीधी है। मात्र एक महीने के अंदर ही ये जो दूसरी कार्य समिति की बैठक थी कांग्रेस की, ये दर्शाती है कि पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। और आपने जैसा हमारी रिपोर्ट में देखा कि कांग्रेस ने जो आरोपों की झड़ी लगाई है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि कांग्रेस चुनावी मोड में पूरी तरह आ चुकी है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल देश दुनिया की ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन करें प्रभासाक्षी.com। मैं नीरज कुमार दुबे, कैमरामैन वेद प्रकाश के साथ प्रभासाक्षी के लिए।